आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास व्यंजक log cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये हमें दे रखा है और आधार में हमें दे रखा है क्या 26 प्लस 8 रूट 10। तो इसका हमें अधिकतम मान निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारा ऊपर लिखा है पद, इसको हम पूरा बदल लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका पहले हम अधिकतम मान निकाल लेते हैं और इसका अधिकतम मान निकाल लेंगे, फिर वापस से इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो ये हमें दिया है स्क्वायर थीटा, है ना। स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ sin थीटा cos थीटा। सबसे पहले तो हम इसे थीटा के पदों में चेंज करेंगे, मतलब ये स्क्वायर हटाएं या थीटा के टर्म्स में लाएं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक sin स्क्वायर थीटा हमने ले लिया साथ में, तो वो हो जाता है 1। और यहाँ पे हमारा क्या बचता है, कुछ नहीं, ये 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 2 sin थीटा cos थीटा, 3 into 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस का 2। तो 2 और 1 तो जुड़ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 2 sin। अब देखिए एक फॉर्मूला और हम साइड में आपको बताते हैं, दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं नॉर्मल से फॉर्मूले हैं। देखिए पहला फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पहला तो फॉर्मूला होता है हमारा कि cos 2 थीटा बराबर होता है यहाँ से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर हम 2 sin स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर हमारा किसके आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा के। और एक तो आपने सूत्र पढ़ा ही होगा कि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब हम आते हैं वापस से सवाल में। 3 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा और ये माइनस 3 इंटू साइन 2 थीटा लिख सकते हैं और प्लस का 2 तो हम ऐड ही कर चुके हैं। ये हमारे क्या जाएगा 4 माइनस 3 साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा। अब हमें इसका अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना, अधिकतम मान। अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, अंडर रूट साइन का जो हमारा कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं और कॉस का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करते हैं। देखिए अगर इसका मैक्सिमम मान निकला है हमें या अधिकतम मान लिखना है, लिखना अधिकतम मान। अधिकतम मान क्या होगा इसका, अधिकतम मान हमारा होगा अंडर रूट में साइन का कोफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर और कॉस का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का ये जो हमारा कॉन्स्टेंट बचा। यहाँ से 3 त्रिका 9 और 1 10, मतलब 4 प्लस रूट 10 इसका क्या होगा, अधिकतम मान होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब आगे हमें सवाल में क्या दे रखा है कि हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। देखिए अब हमें वैल्यू निकालनी है लॉग, आधार में हमें दे रखा है 26 प्लस 8 रूट 10 और यहाँ पे इसका जो अधिकतम मान हमने निकाला वो 4 प्लस रूट 10। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, और इसको ये नहीं लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है नीचे देखिए, और ये 4 प्लस रूट 10 है हमारा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब ये 4 प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर है नीचे, तो इसको जब हम बाहर करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, बाहर बाहर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, बाहर हमारा ये आ जाएगा सीधा ये बन के कि ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा और ये लॉग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आधार क्या 4 प्लस रूट 10 और ये भी क्या 4 प्लस रूट 10। हमने आपको बताया भी है कि बेस और ये अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं और लॉग का मान क्या जाता है 1। तो 1 बटा 2 गुणा 1 मतलब कि 1 बटा 2। तो ये जो हमारा फलन हमें दिया गया था, व्यंजक दिया गया था, इसका जो अधिकतम मान क्या होगा वो 1 बटे। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।